चुनाव की 21 जून को करीब 9 बजे के आसपास सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा हुआ। उसमें दो गुटों के बीच में पथराबाजी हुई। राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार को एक ईदगाह के पिछले हिस्से में गेट निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण कर दिया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने गेट निर्माण का विरोध किया, ये कहते हुए कि इससे उस इलाके में लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इस संघर्ष ने पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ का रूप ले लिया। क्या था इस घटना का पूरा विवरण, क्या इसके पीछे छुपी कुछ और वजह है, इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शुक्रवार शाम को जोधपुर के एक ईदगाह के पिछले हिस्से में गेट का निर्माण शुरू हुआ था। स्थानीय निवासियों ने इस गेट निर्माण का विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। ये टकराव जल्द ही हिंसक हो गया, इसमें पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ शामिल थी। जोधपुर पुलिस ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। डीसीपी राजेश कुमार यादव ने बताया कि हमने धारा 144 लागू और अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके बावजूद पुलिस को पत्थरों की बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी अगुवाई कुछ समय के लिए रुक गई। इस हिंसक टकराव के दौरान एक दुकान और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया और जीप को तोड़फोड़ कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर 2 FIR दर्ज की है। अब तक की गई गिरफ्तारियों के अलावा पुलिस और भी संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि जोधपुर में ये कोई पहली बार नहीं कि सांप्रदायिक हिंसा हुई। इससे पहले भी जोधपुर में धार्मिक स्थलों के आसपास इस प्रकार के विवाद सामने आते रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि किस तरह से धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द की छोटी छोटी बातों को भी सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। वहीं इस घटना ने जोधपुर के विभिन्न इलाकों में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस और प्रशासन को इस तनाव को कम करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। धारा 144 लागू होने के बावजूद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी निगरानी और उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में भी इस प्रकार के विवाद और हिंसा की घटनाएं हो सकती है। ये घटना प्रशासन के लिए एक चेतावनी के रूप में है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अधिक सतर्क रहे। वैसे भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं नई नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर इस प्रकार के विवाद सामने आते रहे। उदाहरण के लिए 2020 में दिल्ली में हुए दंगे, 2013 में मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा और 2002 में गुजरात दंगे प्रमुख हैं। इस घटना में पुलिस और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डीसीपी राजेश कुमार यादव और उनकी टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्परता दिखाई। स्थानीय नेता और सामुदायिक सदस्यों ने भी शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात भी सच है कि इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता। सांप्रदायिक हिंसा से समाज में सिर्फ दरार पड़ सकती है और आपस में विश्वास भी कमजोर होता है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट और आम जनता के जीवन में अस्थिरता ही आती है। तो इस तरह जोधपुर में हुई इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए प्रशासन और समाज दोनों की जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें आपसी समझ, सहनशीलता और संवाद को बढ़ावा देना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एयर न्यूज को सब्सक्राइब करें।